सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सहाफी डेनियल पर्ल केस में मरकजी मुलजिम उमर शेख की बरियत के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने उमर शेख समेत तमाम मुलजिमान की रिहाई आइंदा हफ्ते तक रोक दी। अमरीकी सहाफी डेनियल पर्ल कत्ल केस में सिंध हुकूमत के वकील फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि मुकदमे में कुल 23 गवाह हैं। मुलजिम उमर शेख ने कमरा अदालत में खुद कलामी के अंदाज में एतराफ़ जुर्म किया। शनाख्त परेड में टैक्सी ड्राइवर ने उमर शेख को पहचाना। जनवरी 2002 को एक ईमेल में डेनियल पर्ल के अगवा बराए तावान का जिक्र मौजूद है। रोमियो जूलियट अफसाने का हवाला देने पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान की बरियत का फैसला सिर्फ मफरूजों पर कलदम करार नहीं दिया जा सकता। मकतूल की लाश भी नहीं मिली तो टैक्सी ड्राइवर ने उमर शेख को कैसे पहचान लिया। वकील फारूक नाइक ने बताया कि टैक्सी ड्राइवर ने मुलजिम को शनाख्त परेड में और डेनियल पर्ल को तस्वीर देखकर पहचाना। वीडियो एफबीआई एजेंट ने तफ्तीशी हुकाम को पेश की। दौरान समाअत डेनियल पर्ल के वालिदैन के वकील फैसल सिद्दीकी ने भी दलाइल दिए। अदालत ने डेनियल पर्ल के वालिदैन की फरीक बनने के इस्तेदा भी मंजूर करते हुए मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी।